हेलो, दिस UET PG BEd मैथमेटिक्स पेपर COQ P07, जिसका कोड है। तो इसमें आपके जब आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे सब्जेक्ट के नेम, तो केवल आता है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि मैथमेटिक्स से आपके ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। और जितनों पे मैंने स्टार लगाए हैं वो सारे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है किसमें से कितने क्वेश्चंस थे, बट हाँ इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस थे। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में जितने टॉपिक्स हैं इन सारों से क्वेश्चंस आए थे, लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक से था। स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भूलना ही नहीं है इसकी तैयारी करना। एंड थर्ड वन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में मुझे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं याद है, वैसे मुझे क्वेश्चंस आते थे, पर मैंने उसके लिए अस्मिता मैम, जो कि CUET PG Adda 247 चैनल पर पढ़ाती हैं, उनकी कंप्यूटर साइंस की क्लास को फॉलो किया था। उसके अलावा फंडू फिज़िक्स सौरभ सर जो हैं, उनके लिए मैथ्स के मैंने एक प्लेलिस्ट देखी थी, और स्टैटिस्टिक्स के लिए गगन सर की क्लास देखी थी, और इन तीनों के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आपको सारे इन सारे टॉपिक्स के, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूलेज और इसकी जो डेफिनेशंस रहती हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम आपको 20 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूलाज से मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। उनको अच्छे से तैयार करिए, बिल्कुल भी भूलिए मत। और हाँ, पेपर में 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक करेक्ट के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर एक गलत किया है तो उसके लिए एक नंबर कटता है, और टाइम रहता है 1 hour 45 minutes। सो दिस वर द BEd मैथमेटिक्स पेपर ऑफ CUET। सो फॉर मोर कंटेंट डू सब्सक्राइब द चैनल। बाई।